मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस शानदार जानदार सुपर ऑसम सुपर अमेजिंग एंड सुपर फैंटास्टिक यूट्यूब चैनल ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। एंड गाइस, दिस इज दर्शन जैन, योर एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन एंड हैज बीन टीचिंग द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर द पास्ट 9 ईयर्स। और दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इन ट्रू सेंस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यस, एवरीथिंग फाइन ना, गुड ना, चलो आ जाते हैं। सो गाइस, एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी एडमिशन ऑफ पार्टनर का कंडक्ट किया है, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। सही मायने में आज से ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। चलो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, 11:30 टू 12:30 ये लेक्चर चलेंगे। एक्चुअली वी वर सपोज टू कंप्लीट दिस टॉपिक टूडे, बट कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से हम कर नहीं पाए, बट नो इश्यूज गाइस, करेंगे इसको 11:30 टू 12:30। और जिस दिन मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होगा, उस दिन मैं लूंगा 9:45 PM टू 10:45 PM, ठीक है। और जब भी लेक्चर मॉर्निंग के बजाय इवनिंग में होगा, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में कन्वे कर दूंगा, ठीक है। यस, मिशन सक्सेस बैच दोस्तों खत्म होने आया है। एंड टुडे एट नाइट, आज रात 9 बजे ऑन सी ए फाउंडेशन एज वेल एज सी ए फाउंडेशन प्रो चैनल वी आर लॉन्चिंग आरटीपी एमटीपी बैच। तो दोस्तों, सेशन को विजिट कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर आरटीपी एमटीपी बैच, जो कि स्टार्ट होने वाला है 17 अक्टूबर से। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये था हमारा ऑसम रिजल्ट फॉर जून 22। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम इस पर्टिकुलर लिस्ट में आए, तो गाइज यू हैव ओनली 2 मंथ्स नाउ, गियर अप फॉर योर सी ए फाउंडेशन एग्जामिनेशन which is to commence from 14th of December. Now, RTP MTP boys, अगर आपको join करना है, तो you can go for your Unacademy Plus का subscription. 3 महीने का subscription is going to cost you 10,350 after applying my code, which is DKJ10. You can also go for Iconic subscription, जहाँ मिलेगा personal coach, printed books, evaluated test series और discussion channel. उसके prices भी आपके screen पर दिए गए हैं. You can also go for our test series product for which you will have to pay 1350 for 3 months. Again, apply my code and get the discount. And guys, this is combo subscription, jahan par you are getting to learn foundation as well as inter for 24 months at just 45,000 rupees, less than 45,000. You just need to apply my code and get the discount. Yes, my code is ZKJ10. Do like, share, subscribe both these YouTube channels. These are the dedicated YouTube channel of Bahubali's team for CA Foundation. Do subscribe this Telegram channel. More than 27,000 students have already subscribed to the channel and have been receiving link notes and updates from your loving Bahubali team. And do follow me on the Unacademy's learning app. My ID is CA_Darshan_Jain. Same is the ID on Instagram as well as Telegram. Yes, so this is partnership admission of partner. We have already started the topic. आज हम लोग रेशियोज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। चलो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग खुशी, हर्ष, पीयू, कल्याण, आशुतोष, संतू, परवीन, भास्कर, दर्शन सर की एक्स 1970 की, ओ हो हो, इतनी बूढ़ी एक्स को नहीं संभालता मैं, चल भाग यार यहां से, भाग यहां से। पीयू गुड मॉर्निंग, परवीन गुड मॉर्निंग, सिमरनजीत गुड मॉर्निंग, एकनाथ गुड मॉर्निंग, भावना गुड मॉर्निंग, आवाज नहीं आ रही है भावना, एवरीथिंग इज फाइन, अंशु गुड मॉर्निंग, अर्चित गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन, चलो आ जाइए, अनब्लॉक कर दीजिए सर जी व्हाट्सएप से एक्स को। एक बार मैंने छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, एक बार मैंने किसी को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर मैं ना उसको कभी व्हाट्सएप पर अनब्लॉक करता हूँ, ना कभी जीवन में उसको अनब्लॉक करता हूँ। एक बार जो ब्लॉक हो गया वो हो गया, एक बार जो हो गया वो हो गया। लेट्स बिगिन गाइस,
लेट्स बिगिन, वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद गुडविल होगा, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज होगा, फिर उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे। चलो आ जाओ दोस्तों, कम टू इलस्ट्रेशन वन। नाउ टुडे का क्लास, आज का जो क्लास होगा, इट विल बी लेस ऑफ अकाउंट्स एंड मोर ऑफ मैथ्स। सो आर यू रेडी टू गेट सॉल्व, आर यू रेडी टू सॉल्व मैथ्स विथ मी? सर आदर्श सर का क्लास क्यों नहीं हो रहा है? शायद मंडे से स्टार्ट करेंगे सर, सर मंडे से स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप के बाद क्या पढ़ाओगे? कंसाइनमेंट ले लेंगे बेटा तेरे लिए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? चेक, लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म, पूरे फर्म का शेयर कितना है? 1। नेक्स्ट, शेयर गिवन टू सी, सी को कितना शेयर दिया? 1/3 शेयर। ठीक है, बैलेंस शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, तो भाई पार्टनर का कितना बचेगा? पूरे फर्म का एक, नए पार्टनर को दे दिया 1/3, तो वो हो गया दोस्तों 1 - 1/3, ये हो गया 2/3। ठीक है, तो बैलेंस रेशियो 2/3, ये दोनों पार्टनर का ए और बी का इन न्यू रेशियो 3:2, देयरफॉर न्यू रेशियो। ए का कितना होगा? ए का होगा दोस्तों 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये हो जाएगा 6/15। बी का हो जाएगा दोस्तों 2/5 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 4/15। और सी का ऑलरेडी था दोस्तों 1/3, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो वो हो जाएगा 5/15। आई होप एवरी वन गॉट दिस। देयरफोर न्यू रेशियो विल बी, अब कॉमन डिवाइजर है तीनों में भी 15 15, तो 6:2 4:5। आई होप एवरी वन गॉट दिस। किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? एवरीवन, एनी डाउट हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा भाई। ए नाम चेंज कर रहे दर्शन सर की एक्स, तू बार बार स्क्रीन पे आता, मेरे को बार बार एक्स की याद आ जाती। चल बात, नाम चेंज करके आ और नाम डाल, बहुत एक्स हो चुकी है मेरी, तू कौन सी वाली है पता तो चलना चाहिए। सर सी का समझा दो, चेक करो। भाई सी इज इक्वल टू 1/3 है सी का शेयर, अब यहां पर 15 है, यहां पर 15 है, अब इसको भी 15 अगर करना है नीचे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, तो 1 × 5 5 ऊपर आ गया, 3 × 5 15 नीचे आ गया, अब कॉमन डिवाइजर हो गया सबका, देयरफॉर रेशियो 6:4:5। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 2 पर आएंगे सभी लोग। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, विच ही गेट्स 1/9 फ्रॉम ए एंड
टू नाइन्थ फ्रॉम बी। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ठीक है, चेक सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कौन कौन है पार्टनर, ए बी सी। ठीक है, ए ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है भाई, 3/5 एंड 2/5 सी का डैश। शेयर सेक्रीफाइस, कितना सेक्रीफाइस किया, 1/9 और 2/9 सी का कुछ भी नहीं। सी न्यू शेयर, न्यू शेयर क्या आ जाएगा, 3/5 -1/9, 2/5 -2/9, और सी को कितना दिया हमने, 1/3। ये आ गया दोस्तों, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 × 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 × 3 27 -1, ये हो गया 9 × 3 = 27 और -5 = 22, 22 / 45 ये हो जाएगा 5 × 9 = 45, 9 × 2 = 18, 18 - 10 = 8/45, और इसको भी नीचे अगर 45 लाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो हो जाएगा 15/45। देयरफोर न्यू रेशियो विल बी 22:8:15। आई होप एवरीवन गॉट दिस। किसी को कोई शक, जून में पार्टनरशिप लेक्चर देख लिया है, ओपी लेक्चर, ओहो गुड। ठीक है क्या एवरीवन, बढ़ू क्या आगे, इलस्ट्रेशन 3। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर, ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ए बी सी। ए ओल्ड रेशियो, व्हाट इज ओल्ड रेशियो, 3/5, 2/5 - बी शेयर सेक्रीफाइस्ड। शेयर सेक्रीफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए सरेंडर, ए का शेयर क्या था, 3/5 उसका 1/3, और बी कितना सरेंडर कर रहा है, 2/3 ऑफ हिज शेयर, तो 2/5 × 2/3 सी कुछ भी नहीं। ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों 3/15, ये हो गया 4/15। देयरफॉर सी न्यू रेशियो विल बी 3/5 - 3/15, ये हो जाएगा 2/5 - 4/15, और सी का हो जाएगा दोस्तों 3/15 + 4/15। नाउ कॉमन डिवाइजर करने के लिए कर देंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 15 नीचे 9 - 3 6/15, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/15
और ये हो जाएगा दोस्तों 7/15, देयरफॉर न्यू रेशियो विल बी 6:2:7। सर इज इट नेसेसरी टू स्टिक ऑन टू टेबल फॉर्मेट? इट इज नेसेसरी टू गेट द राइट आंसर, इट डजेंट मैटर हाउ यू गेट इट। तृप्ति आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। ठीक, सो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो देयरफॉर? अरे रे 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 देयरफॉर ऊपर लिख रहा हूं, देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:2:7। आई होप एवरीवन गॉट दिस। जून के पार्टनरशिप के लेक्चर देख लिए? ये लेक्चर देखना जरूरी है क्या? नहीं, यू कैन स्किप इट। एनपी और फाइनल अकाउंट नहीं होगा क्या? होगा, लेट होगा, लेकिन अगर पिछला देख सकते हो परवीन, पिछला देख सकते हो तो देख लो। किसी को कोई शक? इसके बाद कंसाइनमेंट ही होगा अलीना। इलस्ट्रेशन 4 पर आ जाओ। एंड बी आर शेयरिंग, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही अक्वायर्स इंटायरली फ्रॉम ए। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। अब सी को 1/5 शेयर दे रहे हैं और वो 1/5 शेयर कहां से आ रहा है? केवल ए के पास से आ रहा है। ठीक, चेक सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ए बी सी, ए ओल्ड रेशियो। व्हाट इज ओल्ड रेशियो? 3/5, 2/5 डैश शेयर सेक्रीफाइज। कौन सेक्रीफाइज कर रहा है? कौन सेक्रीफाइज कर रहा है? ओनली ए। कितना? 1/5 न्यू रेशियो। 3/5 -1/5, ये 2/5 और ये 1/5। ये हो जाएगा दोस्तों 2/5, 2/5, 1/5 इज इक्वल टू 2:2:1, 2:2:1। किसी को कोई शक? दर्शन सर की है। सर कितने दिन तक खत्म होगा पार्टनरशिप? तेरी मेरी पार्टनरशिप तो खत्म हो गई बेटा, तेरी मेरी पार्टनरशिप तो बहुत पहले ही खत्म हो गई। रही बात इस पार्टनरशिप की, तो ये कम से कम चलेगा 25 अक्टूबर, 20 से 25 अक्टूबर। ठीक है क्या? नेक्स्ट। सर आपकी एक्स अभी फाउंडेशन क्यों कर रही है? मेरे प्यार में इतने पागल थी कि अभी तक फाउंडेशन भी क्लियर नहीं हुआ उसका। एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब ये जो 1/5 मिला है सी को, वो कहां से मिला है? 2:1 के रेशियो में। ठीक है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ए बी सी, ओल्ड शेयर। क्या है ओल्ड शेयर? 3/5, 2/5 डैश बी
शेयर सेक्रीफाइज्ड, न्यू रेशियो है 1/5 इंटू 2/3, 1/5 इंटू 2/3, और ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/3 सी, ये कितना आ जाएगा 2/15, यह आ जाएगा 1/15 न्यू रेशियो। 3/5 माइनस 2/15, 2/5 माइनस 1/15, और सी का नया रेशियो है 1/5। कॉमन डिवाइजर करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 7/15, ये हो जाएगा 5/15, और ये हो जाएगा अगेन 3/15, 7:5:3, देयरफॉर न्यू रेशियो 7:5:3। सर 300 प्लस कैसे लाए? जब बीच लेक्चर में आप पूछते हो इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द लेक्चर, आप बीच लेक्चर में पूछते हो कि 300 प्लस कैसे लाए, तो बेटा जिंदगी में 300 प्लस नहीं आ सकते, ये चीज दिमाग में डाल देना, ठीक है? समझ में आया क्या? और मेरे से क्यों पूछ रहे हो? नेट पे सर्च करो ना, हाउ टू स्कोर 400 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन, 1760 वीडियोस मिल जाएंगे। हाउ टू स्कोर 99 मार्क्स इन अकाउंट्स, बहुत वीडियो मिल जाएंगे, वो वीडियो देखो, और जैसे ही वो वीडियो खत्म हो जाएगा आपको 300 और 350 मार्क मिल जाएंगे बेटा। समझ में आया क्या? मैंने खुद ने ऐसे पास किया है, मेरे से पढ़ाई हो नहीं रही थी, यूट्यूब पे मैंने डाला हाउ टू क्लियर सीए फाइनल, कुछ 40 मिनट का वो वीडियो था, वो 40 मिनट का वीडियो मैंने देख लिया, ऑटोमेटिक मैं पास हो गया दोस्तों, एज सिंपल एज दैट। ठीक है क्या? आ जाओ दोस्तों, इलस्ट्रेशन 5 का शेयर सेक्रीफाइस्ड, ये 1/5 शेयर जो सी को दे रहे हैं ना, ये 2:1 में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/3 ऑफ 1/5, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ 1/5, उनको जो शेयर दिया जा रहा है। अब सी को जो शेयर मिल रहा है वो कौन दे रहा है, कहां से दे रहा है, तो उसका 2/3 पार्ट जो है वो ए दे रहा है और उसका 1/3 पार्ट जो है वो बी दे रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट, समझ में आया क्या? लेंगे बेटा कल्याण, सॉरी सर लेट हो गया। संटू ज्यादा खुश मत, तो वो मेरे को सॉरी बोल रही है कि वो लेट हो गई। संटू फॉर्म में आ रहा है, इट्स ओके बोल रहा है उसको, तेरे को नहीं बोल रही वो। संटू पढ़ाई पे ध्यान दे, इलस्ट्रेशन 6 पर आओ गाइस, अब तो पक्का आ जाएंगे 300 प्लस, और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। वाह 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 वाह, हमारे रोस्टिंग में भी हमारा मोटिवेशन छुपा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ इलस्ट्रेशन 6 पर, X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They admitted Z into the partnership. The new ratio is 3:2:1. Calculate sacrificing ratio. कैसे calculate करते sacrificing ratio? सर आपके जून वाले lectures में भी संटू है, clear नहीं हुआ क्या सर उसका? कहाँ हुआ, कहाँ से होगा clear भाई? उसका पूरा ध्यान
महक कब आ रही है, महक ने क्या बोला, उस पर पूरा उसका ध्यान है। मैं रेशियोज पढ़ा रहा हूँ, उस पर ध्यान ही नहीं है उसका। वो अभी आया है, वो अगले अटेम्प्ट में भी आएगा, संटू है वो, उसका फोकस है ही नहीं पढ़ाई पर। एक्स वाई जेड, क्या बात है, एबीसी से अब एक्स वाई जेड आ गया। व्हाट इज द फार्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो व्हाट इज, ओल्ड रेशियो 5/8, 3/8 डैश बी का न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड का, बी न्यू रेशियो 3/6, 2/6 एंड 1/6। देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5/8 माइनस 3/6, 3/8 माइनस 2/6। ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों 48, 6/5 30, 30 माइनस 24, 6/48, और ये आ जाएगा 48, 6/3 18, 18 माइनस 16, 2/48। वो आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 6:2, दैट इज 3:1। आई होप यू गॉट दिस। लड़की का चक्कर ही बेकार है, अरे बहुत बेकार है भाई। बहुत बेकार है ये, लड़कियों का चक्कर नहीं होता भाई, तो हम भी अंबानी और अदानी की लिस्ट में होते हैं। डन एवरीवन, डन क्या एवरीवन, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क करके आना है। क्या पता आपके लेक्चर से प्यार होने के कारण इंटर में हूं, फिर भी टाइम पास के लिए आ रहा हूं। हमारे पास भी एक स्टूडेंट है जो सीए इंटर में है, लेकिन फाइनल फाउंडेशन के लेक्चर्स करता है। फिर लड़कियां जो भी क्वेरी पूछती है उसका आंसर देके उनको इम्प्रेस करता है। बेटा तू भी वही तो नहीं, पुलकित। इलस्ट्रेशन 7 इज टू बी डन एज होमवर्क। इसमें बहुत सारे केसेस है ये आपको सॉल्व करने हैं। ये वाला अभी करो, प्लीज डू दिस। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द रेशियो ऑफ 3:2। दे टेक सी एज अ पार्टनर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करो जल्दी। अगर सी 1/10 ये पूरा ए से ले रहा है, ए एंड बी एग्रीड टू सेक्रीफाइस 1/10 शेयर टू सी इन द रेशियो ऑफ 2:3, सिंपली ए गेट्स 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। पहले केस में क्या आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जरा बताना गाइस। मैं जा रही, रिकॉर्डेड देख लूंगी। प्लीज रिकॉर्डेड भी मत देख।
रिकॉर्डेड भी मत देख बेटा। फर्स्ट केस आ रहा है 5:4:1। फाइव इज टू फोर इज टू वन। सेकेंड केस बताना गाइस प्लीज। सेकेंड केस का आंसर बताएंगे प्लीज। खुशी ने दिया है आंसर 28:17:5। थर्ड केस बताना। एंड वी आर मीटिंग एट 3:30 फॉर मिशन सक्सेस बैच। आज से 100 ग्राम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिशन सक्सेस बैच में आज 100 ग्राम स्टार्ट होगा। कॉन्सेंट्रेट एवरीवन, फोकस एवरीवन। थर्ड केस का क्या आ रहा है? व्हाट अबाउट थर्ड केस? खुशी ने दे दिया आंसर 27:18:5। प्लीज चेक एवरीवन, प्लीज चेक योर आंसर एवरीवन। चलो डन, चेक। 5:4:1, 28:17:5 एंड 27:18:5। आई होप यू गॉट दिस। नाउ ये हो गया रेशियोज। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, वो है गुडविल। लेट्स स्टडी अबाउट गुडविल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेन एवर यू लर्न पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट आप गुडविल का यहां पढ़ोगे, दैट विल बी एप्लीकेबल इन एडमिशन एज वेल एज रिटायरमेंट, एज वेल एज इन डेथ, एज वेल एज इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द वेरी इजी वन। And the very easy one, concentrate. When the existing partners of a firm decide to admit a new partner will gain in future profits while other will lose. जब भी किसी नए पार्टनर को हम लोग एडमिट करते हैं, हो सकता है कि पुराने पार्टनर्स में से पूरे पार्टनर्स या कई पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। The new partner who gains by acquiring a right to share in a future profit must compensate the partner or partners who has sacrificed the share. सिंपल सा फंडा है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, फिर चाहे वो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, गेनिंग पार्टनर needs to compensate sacrificing partner. जो भी गेन करेगा वो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा बाय हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन रिगार्ड्स टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू रेज गुडविल अकाउंट बट टू शो द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, गुडविल को रेज किया है, रेजिंग ऑफ गुडविल इज नॉट एप्लीकेबल नाउ। वो सारी चीजें फर्जी है। ठीक है, यू कैन नॉट रेज गुडविल, इट हैज टू बी एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर विच द मैजिकल एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ इज पेड फॉर इट. Thus, only purchased goodwill should be recorded in the books of the firm. सिर्फ purchased goodwill को ही record करेंगे. ठीक है? So very very important guys, concentrate. पहला point जो हमने पढ़ा है, goodwill cannot be raised. And second point, only purchased goodwill is to be recorded in the books of accounts. Self-created goodwill, self-generated goodwill will never be recorded in the books of accounts now. ठीक? Next. The following are the situations through which the goodwill may be brought in by the incoming partner is dealt with. ठीक है? अब मान लो एडमिशन का केस है, और भी पार्टनर है, सी को एडमिट किया है, तो सी के गुडविल लाने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. पहला, प्राइवेट सेटलमेंट ऑफ गुडविल, वो बाहर की बाहर सेटल कर देगा. बाहर की बाहर अगर वो सेटल कर रहा है, देयर इज नो प्लेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर सच गुडविल कंपनसेशन. अगर प्राइवेट सेटलमेंट हो रहा है, बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगी. सेकेंड, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल इन कैश. इनकमिंग पार्टनर कैश में अपना शेयर लेकर आ रहा है, क्या ट्रीटमेंट होगा आगे देखेंगे. थर्ड, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल इन काइंड. कैश में नहीं लेकर आ रहा है, कोई असेट लेकर आ रहा है इंस्टेड ऑफ गुडविल का अमाउंट इन कैश. ठीक है. फोर्थ, इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल इन कैश एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स. गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा है, लेके नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, मैजिकल एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एंड द फोर्थ केस एंड द लास्ट केस इज सॉरी फिफ्थ केस एंड द लास्ट केस इज इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल इन कैश. नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड फोर. आधा कैश में लेकर आया, आधा बाद में लेकर आएगा. थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी. थोड़ा गुडविल लेकर आया है, थोड़ा बाद में लेकर आएगा. तो गुडविल में ये पांच केसेस होते हैं दोस्तों. एक प्राइवेट सेटलमेंट, दूसरा कैश में लेकर आ रहा है, तीसरा काइंड में लेकर आ रहा है, चौथा लेकर ही नहीं आ रहा है, और पांचवा थोड़ा लेकर आ रहा है, थोड़ा बाद में लेकर आएगा. तो इन ऑल दिस फाइव केसेस वी नीड टू ट्रीट गुडविल. लेट्स सी वन बाय वन. प्राइवेट सेटलमेंट ऑफ गुडविल, प्राइवेट सेटलमेंट होगा मतलब बाहर सेटल हो रहा है. देयर विल बी नो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. व्हेन द इनकमिंग पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आउटसाइड द बिजनेस, नो एंट्रीज पास इन द बुक्स ऑफ फर्म. जहां पर भी प्राइवेट सेटलमेंट आपको दिखेगा, no entries to be recorded in the books of accounts. I hope this is clear and this is very simple. Second, incoming partners bring his share of firm's goodwill in cash. Cash mein lekar aa raha hai entry. Bringing share of goodwill in cash and crediting to sacrificing partner. Very important. Cash oblique bank account debit to sacrificing partners in sacrificing ratio. और अगर ये goodwill का amount sacrificing partners withdraw कर लेते हैं, तो sacrificing partners capital account to cash account. In short guys, this is the main entry. अगर cash में लेके आते हैं, ये entry मारेंगे. Cash account debit to sacrificing partners in sacrificing ratio. This is very simple. This is very simple. Third, incoming partners bring his share of firm's goodwill in kind. Kind में लेके आ रहा है, asset account debit to अब goodwill का share to sacrificing partners in sacrificing cap ratio. बचा हुआ जो भी रहेगा वो रहेगा capital. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, अब गुडविल का एंट्री असेट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो.
उसके बाद नेक्स्ट, इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल इन कैश, दिस इज द मैजिकल एंट्री, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इन द पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री कोई होगी तो वो यही एंट्री है। इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल इन कैश, थोड़ा लेकर आया है, थोड़ा बाद में लेकर आएगा, जो लेकर आया वो सेकंड के हिसाब से होगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और फोर्थ में जो एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो जो लेके आ गया उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो लेकर नहीं आया उसके लिए गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। और अगर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हर एक क्वेश्चन, कुल मिलाकर कुछ 22-23 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में जाएंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट देखेंगे, आपने बताना है कि क्या होगा। ठीक, ये सारे फुल फ्लेज क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, ये सारे फुल फ्लेज क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, मुझे बताना दोस्तों क्या होगा इसमें। यस, रीड दिस क्वेश्चन। The following is the balance sheet of Ram and Mohan who share profits in the ratio of 3:2 as on 1st January 2020. With details दी गई है सारी। He has to pay 25,000 as his capital and 10,000 as his share of goodwill for 1/5 share. क्या होगा यहाँ पे goodwill का? पांच तरीके हैं मेरे पास। पहला private settlement, दूसरा cash में लेकर आ रहा है, तीसरा kind में लेकर आ रहा है, चौथा नहीं लेकर आ रहा है, पांचवा थोड़ा लेकर आ रहा है, थोड़ा बाकी है। ये बताओ दोस्तों कौन से केस में जाएगा ये? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 किस में जाने वाला है ये? अश्मित ध्यान से देख, सेकंड कैश में आने वाला है, क्या एंट्री होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, 14th में देखो, 14th में देखो, सी विल ब्रिंग 50,000 एज अ कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर। बताओ यहाँ पे भी क्या होगा? अगेन सेकेंड केस, कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिफ्टींथ में क्या होगा? सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल, दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ शीज शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम। नाउ यहां पे क्या होने वाला है? इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, पहला केस क्या था? प्राइवेट सेटलमेंट, दूसरा केस कैश में, तीसरा काइंड में, चौथा लेके ही नहीं आ रहा है, पांचवा कैश और नहीं लेके आएगा मिक्स, विच केस? फोर्थ केस। फोर्थ केस एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मैजिकल एंट्री। क्या यूज होगा यहां पे? मैजिकल एंट्री।
नेक्स्ट गेनिंग टू सेक्रीफाइस मैजिकल एंट्री बोलेंगे. 16th में भी देख लो क्या है. मिस्त्री शैल ब्रिंग हिज शेयर इन ऑफ कैपिटल, कैपिटल लेकर आ रहा है लेकिन वैल्यू ऑफ गुडविल इज 15,000. कुछ बोला हुआ नहीं है लेकर आ रहा है नहीं लेकर आ रहा है. क्या होगा मैजिकल एंट्री फोर्थ केस. अगर बोला हुआ है नहीं लेकर आ रहा, अगर बोला हुआ है कि नहीं लेकर आ रहा है, कोई भी डिटेल दी हुई नहीं है कि ये लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है, तो क्या अज्यूम करेंगे नहीं लेकर आ रहा है. और नहीं लेकर आ रहा है तो क्या होगा मैजिकल एंट्री होगा. व्हाट इज मैजिकल एंट्री. गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इलस्ट्रेशन 17 ये छोड़ दो. 18th मरा 18th में आओ. He will introduce 25,000 as his capital and pay 15,000 to partners as a premium for goodwill for one-third share in profits. क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? Which case? Cash में ला रहा है या नहीं ले आ रहा है? Cash में ला रहा है. Cash to sacrificing partners. Cash में नहीं लेके आ रहा है. Very simple. Gaining partner to sacrificing partners. बताओ दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा अंशु? मैजिकल होगा बेटा. इधर कैश में लेकर आ रहा है, पे लिखा हुआ है ना, पे कैश में लेकर आ रहा है. कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. नो मैजिकल एंट्री हियर. नेक्स्ट 19th. शीरी ब्रिंग्स 80,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल. क्या होगा? शी ब्रिंग्स 80,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल. ठीक है. विच केस? She brings 80,000 as her share of capital बोला हुआ है. ओहो, goodwill was valued at 1 lakh at the time of admission of Nina. Goodwill का valuation हुआ है. fourth case. ये तो capital लेके आ रहा है. वो goodwill लेकर आया है क्या? नहीं. magical entry. yes, magical entry. नो हिडन गुडविल. मनीष, हिडन गुडविल नहीं पढ़ा है मैंने अभी तक. प्लीज क्वेश्चन नंबर 20. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लैक्स. मैजिकल एंट्री. ठीक है. फिर उसके बाद 21. टी शुड ब्रिंग 6,000 फॉर गुडविल. शुड ब्रिंग कैश में लेकर आएगा. सेकेंड केस. गुरु विल ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल. गुरु विल ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल. गुरु अपना शेयर कैश में लेकर आएगा. सेकेंड केस. दैट्स इट. तो कुल मिलाकर 22 क्वेश्चंस हैं. आई होप गुडविल का बहुत सिंपल सा फंडा है. नाउ वेरी वेरी सिंपल. मैंने गुडविल को बहुत इजी कर दिया है. ठीक है. क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? पहली, या तो कैश में आएगी तो कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. दूसरा, कैश में नहीं आएगी
तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो गुडविल टू बी रेज्ड, नो गुडविल टू बी रेज्ड। क्वेश्चन में कहीं पर भी लिख के नहीं आएगा कि गुडविल रेज करो, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट परमिटेड टू रिकॉर्ड रेज गुडविल। एंड फोर्थ केस वेरी इंपॉर्टेंट, नो गुडविल विल अपियर इन बैलेंस शीट असेट साइड इन एनी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में आप गुडविल नहीं दिखेगी, ठीक है क्या? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। अब जो लोगों को समझ में नहीं आता सर गुडविल का क्या करें, तो भाई ये इतना सिंपल है, एक स्लाइड में मैंने सब कुछ बता दिया। कैश में आएगी कैश टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, नहीं आ रही है गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स मैजिकल एंट्री। तीसरा, गुडविल रेज करने का अब कोई सवाल ही नहीं बच गया है। और चौथी बात वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी क्वेश्चन के बैलेंस शीट में जो पहले आपको 12th स्टैंडर्ड में गुडविल दी जाती थी, अब वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। किसी को कोई शक गुडविल में? किसी को कोई शक गुडविल में? एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अब कल संडे, कल क्लास नहीं होगा, मंडे के दिन सुबह नहीं होगा क्लास, मंडे 9:45 लूंगा गाइस, ठीक है, केवल ये एक दिन के लिए 9:45 PM लूंगा ऑन मंडे। टुमारो नो क्लास, मंडे के दिन इस समय पे क्लास होगा। बाकी हमारा रेगुलर टाइमिंग इज 11:30 to 12:30 AM, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों 3:30 फॉर मिशन सक्सेस बैच, मिशन सक्सेस के लिए मिलेंगे दोस्तों एट 3:30। चलो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून, बाय बाय एवरीवन।